साथ हैदराबाद के कांग्रेस लीडर फिरोज खान जुड़ रहे हैं। फिरोज खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है, बहुत भड़काऊ बयानबाजी उन्होंने की है। फिरोज खान साहब क्यों इतने भड़क गया? देखिए, भड़कना जरूरी था। जो राजा सिंह जो घिनौनी बात किए हैं वो एक्चुअली टोटल रॉन्ग है, क्योंकि ये कंटिन्यूस करते हुए आ रहे। आप देखिए, राजा सिंह के ऊपर 49 केसेस बुक है और पूरे केसेस में आप देखिए हिंदू मुसलमान करते रहते हो। कभी भी आप बात करेंगे तो कभी भी आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते, कभी भी आप डिवाइड एंड रूल की बात करते, कभी भी आप हिंदू फैनेटिक बात करते रहते, तो आप बात करने की जरूरत नहीं थी। और रही बात इस्लाम के ताल्लुक से, तो आप एबीसीडी नहीं जानते, और रसूलुल्लाह के ताल्लुक से, प्रॉफिट मोहम्मद के ताल्लुक से आप क्या जानते? आप आके ऐसी बेहूद की बात आप कर देते। ये देखिए, आपको मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है, निपुण शर्मा वो बात बोली तो कितने हंगामे हो गए, खतल हो गए, हंगामे हो गए। ये देखिए, एक रिस्पॉन्सिबल एमएलए है आप और एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के पर्सन है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी निभाना आप जरूरी है। आप देश के और स्टेट के शहरों, खुसूसी शहर हैदराबाद के अमन शांति को आप कैसा खराब करते हैं? आप प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ बोल देते तो मुसलमान भड़क जाता। मुसलमान जब भड़क जाएगा तो दंगा हो जाएगा। दंगे में मर जाएगा कौन? राजा सिंह ने मरेगा, असदुद्दीन ने मरेगा, एक गरीब कमजोर मुसलमान मरेगा, जो ब्रेड अर्नर है उन्हें मरेगा, तो वहां पे हमारी तकलीफ। तो ये काम राजा सिंह कंटिन्यूस करते, राजा सिंह प्री प्लान करते। अब आप सिंपल आपके चैनल के सामने बोल रहा हूं मैं, आके उन्हें जो बोलना है वो बोले, मगर प्रॉफिट मोहम्मद का नाम नहीं लिए, क्योंकि टेक्निकल राइट रहना चाह रहे। कल के दिन उनको मालूम केस बुक होता, कल के दिन उनको मालूम उन्होंने जेल को जाते, मगर बाहर जब ट्रायल होगा तो उन्हें कन्विक्शन नहीं होगा उनको, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिए। तो ये क्या है? पूरा प्री प्लान्ड है, इंटेंशनली प्री प्लान्ड है। तो आप कभी भी आपके चैनल पे बोलते दंगे होते नहीं, दंगे कराए जाते, तो राजा सिंह के ऐसे स्टेटमेंटों की वजह से दंगे होते। दंगे होंगे तो शहर हैदराबाद जलेगा, हिंदुस्तान जलेगा, गरीब कमजोर मुफलिस मायूस मर जाएगा। तो उसके लिए मैं राजा सिंह को बोला, राजा सिंह बोल के जो मैं तगड़ी बात कर रहा हूं वो जरूरत है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। आपने कहा कि राजा सिंह भड़का रहे, भड़का तो आप भी रहे। आप कह रहे हैं कि हम कानून हाथ में ले लेंगे, एक बार नहीं 1,00,000 बार ले लेंगे, तो ये क्या मैसेज है? सुनिए मेरी बात, पुलिस को हम बोल दिए, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को बोल दिए, अगर से ये राजा सिंह को आप अरेस्ट नहीं करेंगे, जेल के अंदर नहीं रखेंगे, तो बराबर हम कानून हाथ में लेंगे, बराबर लेंगे। क्योंकि अगर से ये डर हम खायम नहीं करेंगे तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट काम नहीं करती। अब तक 49 टाइम्स इन्हें ऐसे केसा बात करते गया, हर एक चौरस्ते के ऊपर बात करता है इन्हें राजा सिंह, कभी भी नहीं। लंगे बातें करने में नंबर एक्सपर्ट है। अरे तू एमएलए है, तू डेवलपमेंट की बात कर, डेवलपमेंट की बात बाजू रख देता, मगर हिंदू मुसलमान की बात करता, हिंदुस्तान की तू जरूरत है। आप बोलते कोई मुसलमान टेढ़ा भींगा बात करे तो आप बोलते पाकिस्तान को जाओ, अगर इन्हें टेढ़ा भींगा बात करता तो इसको कहां भेजेंगे? श्रीलंका को भेजेंगे, किधर भेजेंगे इसको? तो सोचिए आप। सो ये बात नहीं करना, और एक सबक मिलना, नेक्स्ट टाइम आए तो एहतियात करना। उसके लिए मैं गवर्नमेंट को आप बात बोल रहा हूं कि कल उसको बेल हो गई। बेल क्यों हो गई? 41 सीआरपी नोटिस के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करी, जल्दबाजी में पुलिस गलती कर दी, सामने वाला राजा सिंह का काउंसिल वो गलती पकड़ लिया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, इसके वजह से उसको बेल हो गई। ओके फाइन, कुछ भी ना हुआ, बेल हो गई, वो घर को चले गया। आज 49 केसेस है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन पीडी एक्ट मूव कर सकते, उसको आप जेल में रख सकते। एक सबक होना, एक एग्जाम्पल होना, देश की अखंडता को, देश की एकता को, देश के भाईचारे को, और देश की गंगा जमुना तहजीब को कोई भी नहीं तोड़ सकता। वहां पे है हमारी तकलीफ, रसूलल्लाह के बारे में बोले तकलीफ है, उसके साथ साथ तकलीफ ये है, अमन शांति को खराब करते आप बोल के तकलीफ है। आप बार बार कानून की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतने एक्ट में उनके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन आप जब बयान देते हैं फिरोज खान साहब, तो आप कहते हैं कि जो भी मुसलमान सच्चा है वो अगर राजा सिंह को देखे तो उसकी पिटाई कर दे, ये इस बयान को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? राजा सिंह जो बात बोला प्रॉफिट मोहम्मद के ताल्लुक से, गंदी बात, थर्ड क्लास बात करा, उसको कोई अख्तियार नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मगर इस तरीके से बात करके आप किसी के भी सेंटिमेंट को, किसी के भी आस्था को और जज्बात को आप हर्ट नहीं कर सकते। ये अपना हिंदुस्तान का दस्तूर बोल रहा, ये दस्तूर जब बोल रहा, और आप एक जिम्मेदार एमएलए है, आपका काम है, आपके मुंह से निकल गई होंगी बात, हम भी मुसलमान अभी दिल बड़ा कर रहे हैं कि ओके भाई गलती हो गई होंगी, और रसूल अल्लाह और हमारा कुरान बोली माफी मांगने वाले को माफ कर दो आप, तो ये इस्लाम सिखाई, तो इस्लाम की सही नॉलेज लोगों को नहीं है, तो हम बोले तो आके माफी मांग। अगर से उन्होंने माफी मांगा तो तमाम मुसलमानों को मैं बोला, जो भी ईमान की हरारत रखता उन्हें जा देखे उसको मारो, बोला
बराबर बोला मारो, अभी भी बोलो मारो बोल रहा हूँ, मार तो मैं भी मारता हूँ। पुलिस के पास जा सकते हैं, सुनिया पुलिस के पास गए, केस बुक हो गया, केस में उन्होंने गलती कर दी पुलिस वाले, फास्ट काम करके सीआरपी 41 नोटिस को उन्होंने गाइडलाइंस फॉलो नहीं करे। मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली, आप उसको हाउस अरेस्ट पे रखो, 49 सीआरपी उसको दियो, उसकी दीवार के ऊपर चिपका दो, 48 आवर्स के बाद जाके मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस कर दो, काम बन जाता था। मगर पुलिस गड़बड़ी में करी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुलिस गलत काम करी, मगर जल्दबाजी में 41 के गाइडलाइंस को ब्रीच करे और उनका काउंसिल पकड़ लिया। तो राजा सिंह को तो सजा होना, अब तो उसको जेल नहीं गया, उन्हें बाहर आ चुका है, माफी नहीं मांगा, तो ये बात आगे जाने वाली है, क्योंकि हैदराबाद से पूरे हिंदुस्तान में पकड़ लेती। निपुण शर्मा की कैसा पकड़ी, बेकसूर मर गए, हम नहीं चाहते कि बेकसूर मरना, एक बात। और उन्होंने आके बोले कि गौ माता के बारे में बात करते, आपकी बात गलत है, हम मुसलमान गौ माता के 95% मुसलमान गौ माता की इज्जत करता, क्योंकि आप उसमें भगवान देखते, आप उसमें मां देखते, हम उसकी इज्जत करते। आप बोले गले काट देते मुसलमान, अरे वो मुसलमान टेररिस्ट है जो गले काटते, वो मुसलमान नहीं होते, हम 1,00,000 टाइम बोल दिया उनको, और क्या बोलना। तो मुसलमान ये देश का हिस्सा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब मिलकर रहते, ऐसे हिंदुस्तान के अंदर आप ऐसे फालतू बात करके, आप शर पैदा करके, जो हिंदू मुसलमान मिलकर रहता, जो दीपावली में साथ रहता, जो रमजान के ईद में साथ रहता, जो एक साथ कारोबार करता, जो एक आजू बाजू पड़ोसी रहता, हिंदू का बच्चा मुसलमान के घर में जाता, ऐसे माहौल आप क्यों खराब कर रहे हैं। इलेक्शन है क्या? चलो इलेक्शन आए तो इलेक्शन को मद्देनजर रख देखे करते। तो मैं पूछना चाह रहा था उसको, तू तेरे को ये बात भड़काऊ बोले बोलते नरेंद्र मोदी बोला क्या, अमित शाह बोला क्या, तेरे को कोई सीनियर लीडर इंस्ट्रक्शन दिए क्या? मगर बीजेपी पार्टी एक अच्छा काम करी, 1 घंटे के अंदर उसको सस्पेंड करी। मैं कांग्रेस पार्टी लेकर भी उसकी तारीफ कर रहा हूं, अब लोग हमारे कांग्रेस में बोलते फिरोज खान सस्पेंड करे अच्छा बीजेपी पार्टी करी, बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते क्या फिरोज खान बोलते दीवारें बातें करते। फिरोज खान जो सच है वो बोलता, जो सही है वो बोलता। आपने ये कहा कि बीजेपी ने तुरंत एक्ट किया, आप कांग्रेस के लीडर हैं, बात अब यहाँ पर यह भी उठ रही है, बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि अगर मुनव्वर फारूकी को यहाँ पर अलाउ नहीं करते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। तो आपको क्या लगता है, टीआरएस गवर्नमेंट ने अगर किया तो क्यों किया, या फिर उसका करना ठीक था या गलत था? ये देखिए, मुनव्वर फारूकी का प्रीवियस रिकॉर्ड है कि हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाया। मेरे को जब लिए थे चैनल के ऊपर, मैं सरेआम में बोला कि मुनव्वर फारूकी को चांस देना, और वहां पे पूरा सीसी कैमरा रहेगा, पुलिस बंदोबस्त रहेगा, अगर से कोई भी छिछोरी बात अगर से मुनव्वर फारूकी कौन से भी धर्म के ताल्लुक से करा, उसको चप्पला निकाल के वहां से मारना और उसको वहां से उठा लेना और नॉन अवेलेबल केस में बुक कराना। जब आप एक कॉमेडियन है और आपको पब्लिक चाहती, और आप ये बात बोल रहे हैं कि मैं रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट नहीं करता हूं, मेरे को एक चांस दो बोल रहे हैं, तो बराबर उसको चांस देना और उसको सर्वेलेंस में रखना, और अगर से उन्हें गलत बात करे तो पहले फिरोज खान रहेगा जो चप्पल निकाल के उसको मारेगा, ये बात हम बोले। और उन्हें वो जब आया है तो प्रोग्राम करा तो उन्हें कोई भी गलत बात नहीं बोला। सो रही बात, हम मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट नहीं करते कि उन्हें एक मुसलमान है बोलते, कोई नहीं, धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदुस्तान इंपॉर्टेंट है, समाज इंपॉर्टेंट है, हमारा गंगा जमुना तहजीब इंपॉर्टेंट है, भाईचारा इंपॉर्टेंट है, अमन शांति इंपॉर्टेंट है। तो ये अमन शांति के लिए कौन सा भी लीडर, कोई स्थाई का भी लीडर इस तरीके की बेतुकी बात करेगा तो फिरोज खान के वैसा शख्स पहले आ जाएगा सामने। कोर्ट ने राजा सिंह को छोड़ दिया है, उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि फिर एक बार मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर निकले हैं। आप जैसे जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि आप मारिए उनको, इंस्टिगेट कर रहे हैं एक तरह से, भड़का रहे हैं आप, तो इससे तो ये मामला खत्म ही नहीं होगा ना फिरोज खान। सुनिए, आप मुसलमानों को नहीं समझा सकते, जब तक इसको पीडीएफ में नहीं बुक करेंगे, इसको वापस जेल को नहीं भेजेंगे, मुसलमान समझेगा नहीं। भाई मैं आपके चैनल के सामने ये वो दीवाने बातें नहीं करना चाहता, जो है वो बात करता, ग्राउंड लीडर हूं, जमीन से जुड़ा हुआ हूं, हर चीज मेरे को मालूम है। मुसलमान रसूल अल्लाह के ताल्लुक से, प्रॉफिट मोहम्मद के ताल्लुक से बोले तो मुसलमान दीवाना हो जाता, आशिक रसूल है। नहीं बोलना था राजा सिंह, छोटी सर की बात है, बोल दिया उन्हें, अब आके मेरे से गलती हो गई एक बात बोलने से, मुसलमान समाज पूरा थम जाएगा। अगर से इन्हों नहीं थमाना चाह रहे, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको दंगे करवाए जाते होते नहीं, तो अगर से राजा सिंह और उनकी टीम की प्लानिंग है कि दंगे होना, तो उन्हें सॉरी नहीं बोलेंगे, सॉरी नहीं बोले तो दंगे होंगे साहब। मैं आके मीठे मीठे बात आपके चैनल के सामने नहीं बोलना चाहता, मुसलमान का गुस्सा जब भी थमेगा या तो इन्हें जेल को जाना या तो इन्हें माफी चाहना। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज खान, जिनका ये कहना है कि मुसलमान नाराज हैं, गुस्से में हैं, उनका गुस्सा तभी थमेगा जब या तो राजा सिंह को जेल भेजा जाएगा या फिर राजा सिंह माफी मांगेगी। कैमरामैन वेंकटेश के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, हैदराबाद।